दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति प्रश्न पढ़ेंगे जो कक्षा 10 की NCERT बुक से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, लिखा गया है कि टैन थीटा बटे वन माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे वन माइनस टाइन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको हमको सिद्ध करना है। आपको आंसर दिया गया है, ये आपका आंसर है, यही आपको लाना है। तो आप इस वीडियो में आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आपको सिद्ध करके ये बताना है कि इसका मान इतने के बराबर होना चाहिए। तो इसका हल हम शुरू करते हैं। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम LHS देख रहे हैं, इसमें दो पक्ष हैं, एक को कहते हैं वाम पक्ष और एक को कहते हैं दायां पक्ष। इसको हम इंग्लिश में LHS और इसको RHS भी कहते हैं। तो अब हमें एक पक्ष को लेकर के इसको हल करना है। तो हम इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड बाम पक्ष को ले लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि टैन थीटा बराबर, बाम पक्ष आप लिख लेंगे तो बाम पक्ष लिखेंगे कि टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि टैन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और काट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को लिखिए, प्रश्न के बाएं पक्ष को आप लिख लेंगे तो लिख देंगे कि टैन थीटा बटे वन माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे वन माइनस टैन थीटा। अब आप जानते हैं कि टैन थीटा और साइन थीटा का मान, तो आप इस प्रश्न में देख रहे हैं टैन थीटा और कोट थीटा है, तो टैन थीटा कोट थीटा को आपको चेंज कर देना है साइन थीटा और कॉस थीटा में। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान और टैन थीटा का मान आपको कैसे निकालना है, तो आप लिखिए, जानते हैं कि चूंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और काट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह से आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले आपका काम यही है कि आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो आप इसको लिखेंगे, टैन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे देखिए वन माइनस काट थीटा को आप लिख देंगे वन माइनस काट थीटा को लिखेंगे हो जाएगा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इस और इसको देखिए, इसको लिख देंगे हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखिए, काट थीटा का मान रखेंगे तो काट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको लिख देंगे हो गया कॉस थीटा बटे ये हो गया साइन थीटा, और नीचे हो गया ये हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद अब आप इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, देख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा है और नीचे वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो इसको हम लिख देंगे एक बटे एक लिख देंगे, एक बटे एक लिख देंगे, और इसको भी हम एक बटे एक इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए
हम इसको सरल करेंगे तो हो जाए कितना, आप जानते हैं कि अगर कोई भिन्न इस तरह का लिखा हो कि एक एक धन एक बटे दो लिखा है तो आप क्या करते हैं, दो एक के दो एक तीन कर देते हैं, दो में एक का गुणा करेंगे और इसको इसके साथ प्लस कर देंगे। इसी तरह इसको भी हल करना है तो आप इसको लिख देंगे, ये देखिए हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा बटे कास थीटा और कुल के बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से इसको भी हल करेंगे, ये देखिए हो जाएगा, ऊपर हो गया कास थीटा बटे में साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और कुल के बटे हो जाएगा कास थीटा। अब देख रहे हैं भिन्न कुछ इस तरह की हो गई है कि एक भिन्न ऊपर है और फिर एक भिन्न नीचे है। अगर आपको इस तरह के भिन्न कोई मिल जाए तो आप इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए जैसे अगर कोई भिन्न इस तरह का लिखा हो कि तीन बटे चार और कुल के बटे पाँच बटे सात, आप इसको कैसे हल करते हैं, तो आप इसको लिखते हैं कि तीन बटे चार और यहाँ पर गुणे कर देंगे तो हो जाएगा सात और ये पाँच हो जाएगा, इसका हर ऊपर चले जाएगा और अंश इसका नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी हमें हल करना है, तो इसको आप हल करने के लिए अब आप इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया साइन साइन थीटा बटे कास थीटा, यहाँ पर गुणे लगाएंगे तो यह साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, इसको लिख देंगे साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस लगा है तो आप यहाँ पर प्लस लगा देंगे, प्लस लगा करके आगे लिखेंगे कि कास थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ पर भी गुणे करके इसके बाद इसको लिखेंगे, तो देखिए यह कास थीटा ऊपर चला जाएगा, इसको आप लिख देंगे ये हो जाएगा कास थीटा ऊपर हो गया और नीचे आ गया कास थीटा और माइनस साइन थीटा, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए अब आपको करना क्या है, देख रहे हैं साइन गुड़े साइन, तो आप साइन में साइन का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये जब साइन में साइन का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन में साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, तब आप इसको लिख देंगे ये बराबर हो जाएगा, इस तरह से आप लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे देखिए नीचे हो गया कास थीटा और कोष्टक में हो गया यहाँ साइन थीटा माइनस कास थीटा और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और कोष्टक में आ जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए लिखा गया है कास थीटा, कोष्टक में देखिए लिखा गया है साइन थीटा माइनस कास थीटा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कास स्क्वायर थीटा और नीचे देखिए लिखा गया है कि साइन थीटा, कोष्टक में देखिए कास थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कास थीटा माइनस साइन थीटा। एक में देख रहे हैं साइन थीटा पहले है और दूसरे में देख रहे हैं साइन थीटा बाद में है, तो आप अगर इसमें से माइनस को कॉमन कर दें तो माइनस को जब कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो आप पहले इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन लें तो ऊपर लिखेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा कास थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा।
अब जब यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आप माइनस कर देंगे, जब माइनस हो गया तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा अब साइन थीटा पहले हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। आप इस साइन थीटा पहले लिख दें तो इस साइन थीटा को लिखने के बाद अब कोष्टक में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया। इसके बाद देखिए, अब आप इसमें देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ पर भी है और साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ पर भी है, तो आप इस साइन थीटा माइनस कास थीटा को कोष्टक के बाहर कर दें, इसको कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा। अब इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो बाहर इसको लिखें कितना, इसको हम लिख देंगे ये हो जाएगा एक बटे, इसको इस तरह से लिख देंगे ये हो जाएगा, आप यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा। और देखिए अब कोष्टक में बचा कितना है, कोष्टक देख रहे हैं बचा है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे बचा है कास थीटा, तो यहाँ पर कास थीटा लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर बचा है कास स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे देखिए लिखा गया है यहाँ पर साइन थीटा, इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर कास थीटा है, तो आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एक बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ पर इस साइन का गुणा इसके साथ होगा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, नीचे लिख देंगे कि साइन थीटा, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन थीटा और कास थीटा तो एलसीएम हो गया। तो साइन थीटा कास थीटा में जब आप कास थीटा से भाग करेंगे तो कास कैंसिल हो जाएगा, तो साइन का गुणा साइन करेंगे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा इसी तरह से भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कास क्यूब थीटा। अब हमें इस तरह से मिल गया एक बटे साइन थीटा, नीचे आ गया कास थीटा, और ऊपर में देखिए बचा कितना, यहाँ आ गया है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, और नीचे आ गया है साइन थीटा इंटू कास थीटा, इस तरह से आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब आपको करना क्या है, हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो जब यह फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो आएगा कि एक बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगी साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, और कुल के बटे में हो जाएगा, ये कुल के बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ पर भी है, ये देख रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ पर भी है, तो आप क्या करेंगे, अब इस साइन थीटा माइनस कास थीटा को इससे कैंसिल कर दें, कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना,
ऊपर देख रहे हैं बच गया साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कास थीटा। तो आप इसको लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे कि हो जाए कितना, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, और इसके नीचे देखिए बचा है साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान होता है एक के बराबर। आप जानते हैं कि चूंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसको आप इसके स्थान पर एक लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक। अब कितना हो जाएगा, इसको जब एक लिख देंगे तो आपका प्रश्न इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप लिख देंगे कि वन प्लस, इसको आप लिख देंगे ये हो जाएगा वन प्लस, ऊपर हो गया वन और यहाँ देखिए बचा है साइन थीटा और कास थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, इस तरह से मिल गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब देख रहे हैं जैसे अगर कोई भिन्न लिखी रहे कि एक धन तीन बटा पाँच लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, इसको लिख सकते हैं एक बटे पाँच धन तीन बटे पाँच, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी लिख लेंगे, तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा कि लिख देंगे कि एक बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा और प्लस यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो देख रहे हैं इस तरह से जब आप इसको लिख देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा कास थीटा बटे साइन थीटा कास थीटा, यही क्वांटिटी यहाँ पर भी है और यही क्वांटिटी यहाँ पर भी है। तो इस तरह से यह आप इसको इस तरह से भी काट सकते हैं या इसको डायरेक्ट सीधे काट सकते हैं। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर एक बच जाएगा। अब आपको मिला कितना, अब आपको मिल गया कि एक बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस आ गया वन, यहाँ पर वन बचा। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो गया, इसे लिख देंगे एक बटे साइन थीटा गुणे में करके लिख देंगे एक बटे कास थीटा और यहाँ पर लिख देंगे प्लस वन। इस तरह हम जानते हैं कि चूंकि एक बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, इसे हम कोसेक थीटा लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और जहाँ पर लिखा गया है एक बटे कास थीटा, तो एक बटे कास थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इस तरह से हम अब इसको लिख देंगे, जहाँ पर लिखा गया है एक बटे, जहाँ लिखा है एक बटे साइन थीटा, तो एक बटे साइन थीटा को हम लिख देंगे कोसेक थीटा और एक बटे कास थीटा को लिख देंगे सेक थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक बटा साइन थीटा के स्थान पर आपने लिख दिया, ये हो गया कोसेक थीटा और इसके स्थान पर लिख दिए सेक थीटा और यहाँ पर प्लस वन लिख दिए। इस तरह से आपका आंसर आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, दोस्तों में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।